एक कैमरे है तो नीचे उधर हो रहे हेलो दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से आप सभी युवा साथियों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर एक बार सभी युवा साथी जो है सेशन को शेयर करिएगा और दोस्तों सबसे बड़ी मजे की बात ये है कि आज का जो सेशन होने वाला है वो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है साथ ही साथ आपकी जितनी भी आगामी है प्लस आगे भविष्य में भी जितनी होगी उन सभी के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है ठीक है यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है भाई करंट के क्वेश्चन भाई कितने हो गए ये लेकिन इससे अलग जोड़ के क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कहाँ पर है किस स्टेट में क्या खासियत है एक एक बात पर डिस्कशन करेंगे उससे पहले आप सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा ठीक है एक बार और सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा ओके आगे बढ़ते हैं तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे ताजमहल को यहां से हटना तो पहले हम किसको देखेंगे ताजमहल को देखेंगे ताजमहल आपका सबसे पहले पूछा जा सकता है कि भाई कहां पर है तो आपको पता है कि ताजमहल आपका कहां पर है यूपी में है ताजमहल कहां पर है तो ताजमहल आपका भाई साहब यूपी में है यूपी आपका उत्तर प्रदेश मतलब 1983 में ये शामिल किया गया था कब किया गया था 1983 में 1983 में इसको शामिल किया गया दूसरा पूछ लिया जाता है भाई ताजमहल किसने बनवाया तो ऐसा तो ऐसा आपको जो इस प्रेमी रो, प्रेमी रोग वाले होते हैं पता ही रहता है कि भाई कि मैं ताजमहल वैसे याद रहता है पर फिर भी आपको पता होना चाहिए कि मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था अगर इसी प्रश्न को मैं जीएस में जोड़ दूं ठीक है देखो यहाँ पर आए यमुना नदी ठीक है अब इसी प्रश्न को अगर जोड़ते चले भाई यमुना नदी को ज्योग्राफी से जोड़ लो तो फिर इसको बहुत गहराई तक भी ले जा सकते हैं कि यमुना नदी कहाँ से निकली अंदर यमुना नदी जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले वहाँ पर भी एक श्रेणी है जिसका नाम है आपका बंदरपुर श्रेणी वहाँ पर एक ग्लेशियर है यमुनोत्री ग्लेशियर वहाँ से निकली ठीक है ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं ठीक है उसके साथ अगर भाई पूछा जाए कि यमुना के किनारे तो आप बता सकते भाई दिल्ली है ठीक है आप दिल्ली का जिक्र कर, कर सकते हैं आप आगरा का जिक्र कर सकते हैं ठीक है आप मथुरा का जिक्र कर सकते हैं इस प्रकार नदी के किनारे वाला भी क्वेश्चन तो ये सारे टॉपिक मैं करवाने वाला हूँ ये अभी हमारा टॉप फिफ्टी टॉपिक की सीरीज चल रही है कौन सी टॉप फिफ्टी टॉपिक में करवाने वाला जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ठीक है ये प्यारा सा ताजमहल है आपका ये आप लोगों के लिए पीपीटी लगा दी गई है ताकि आप फीलिंग ले सके ताजमहल की ऐसे ही वहाँ पर भी सेम जैसी फीलिंग यहाँ पर आ रही ना आप जानते देखोगे तो आपको लगेगा कि मैं ताजमहल पर ही खड़ा हूँ ठीक है बिल्कुल ऐसे पानी हिलता रहेगा पानी यहाँ पर भी हिल रहा है आपको दिख रहा होगा पानी हिल रहा है यहाँ पर परछाई बन रही है ठीक है पूरा सब कुछ सिस्टम आपका पूरा ये नहीं आपको रियल फीलिंग आएगी यहाँ पर ठीक है अच्छा आगे बढ़ते हैं एलोरा की गुफा बहुत बार आता है एग्जाम में एलोरा की गुफा तो आपको पता होना चाहिए एलोरा की गुफा गुफा कहाँ पर है तो एलोरा केव्स आपकी महाराष्ट्र में ठीक है महाराष्ट्र में भी अगर जिला पूछे तो औरंगाबाद जिला बताएंगे ठीक है कहाँ पर बताएंगे औरंगाबाद जिला किस वर्ष शामिल किया गया नाइनटीन में शामिल किया गया पूछा जाता है इसे किसने बनवाया तो राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बनवाया गया था किसके द्वारा राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बनवाया गया था ठीक है आपके थर्टी मठ और मंदिर यहाँ पर शामिल है ठीक है उसके बाद देखिए आपको दिखेगी इस की खास बात बता देता हूँ ये जो गुफाएं हैं एक एकाश्म पत्थर की प्रकृति एकाश्म पत्थर मतलब एक ही पत्थर है इसको काटा गया है ऊपर से नीचे तक तो इसको डिजाइन दिया गया है ऐसा नहीं कि अलग अलग खड़ा किया गया है नहीं ये एक ही पत्थर को काट के ठीक है आपका मतलब एक पत्थर को काट के एकाश पत्थर को काट के ये बनाया गया है ठीक है उसके बाद अजंता गुफा की बात कर लेते हैं अजंता की गुफा अजंता की गुफा की बात कर लेते हैं अजंता की गुफा कहाँ पे है दोस्तों ये भी आपकी कहाँ पर है महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में कहाँ पर है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है ठीक है ये भी आपको याद रखना है इसे भी नाइनटीन में ठीक है ओके और इसमें टोटल कितनी गुफाएं हैं ये भी आपकर कितनी है ट्वेंटी गुफाएं हैं ठीक है मज़ा आ रहा है तो सेशन को शेयर जरूर करना ठीक है और आपकी सारी क्लासेस यहाँ पर चलती है आर जी आ, रेंकर्स गुरकुल यूट्यूब चैनल पर आपकी करंट अफेयर की भी क्लास स्टार्ट होने वाली जल्दी दोस्तों मैं आपको बता दूँ इन्फॉर्मेशन और सुबह साढ़े आठ बजे क्लास जीएस की भी चलती है और रात तक क्लासेस चलती है फ्री ऑफ कॉस्ट दिन में आपकी प्रशांत सर पढ़ाते हैं रशिका का मैम पढ़ाती है आ, विक्रम जी सर पढ़ाते हैं आदित्य सर पढ़ाते हैं नीतू ढाका मैम पढ़ाते हैं मैं पढ़ाता हूँ और सबसे मजे की बात है कि हम लोग अपडेटेड कंटेंट के साथ पढ़ाते हैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट के साथ पढ़ाते हैं ठीक है ओके चलिएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं तो ये आपकी अजंता की गुफा है ठीक है चलिए आगे देखते हैं आगरा का फोर्ट देखो आगरा का ताजमहल अलग है दिल्ली का लाल किला अलग ला है और आगरा का किला अलग है इसे भी 1983 में शामिल किया गया मैं श्क, मतलब सीक्वेंस वाइज बता रहा हूँ पिछला आपने देखा ये भी 1983 में ये भी आपका 1983 में अभी मैं सीक्वेंस वाइज बता रहा हूँ आपको तो आगरा का किला भी उन्नीस में यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया गया दोस्तों ठीक है और इस सबसे बड़ी बात पूछा जाता है भाई ये कि इसका निर्माण कब हुआ तो अब आपको बताएंगे भाई सोलवी शताब्दी में इसका निर्माण हुआ ठीक है ओके और किसके द्वारा करवाया गया तो जागीर इसको देखो यहाँ पर एक एक पॉइंट याद रखना है कि जहागीर पैलेस या शाहजहा द्वारा निर्मित खास महल आगरे किला का ही हिस्सा है ठीक है ये आगरा किले का हिस्सा है कौन सा शाहजहा द्वारा जो निर्मित है खास महल और ये दोनों आगरा किला का ही हिस्सा है नाइस कंटेंट गुरु ठीक है वेरी गुड ठीक है वेरी गुड ठीक है तो ऐसा ही दिखने में आपका दिल्ली का भी किला है जानक पर के प्राचीर से आपके पंद्रह अगस्त पे भारत के भावी मतलब भारत के प्रधानमंत्री जो है क्या करते हैं ध्वजारोहण करते हैं ठीक है ये वो लेकिन ये आगरा किला का फोटो है सन टेम्पल सूर्य का मंदिर जो कि कोणार्क राज्य में किस राज्य में बात करें आपका

इस पे राइट क्लिक हो रहा है क्या ओके ठीक है सूर्य के पहिए बने हैं जो वो क्या करता है जो सूर्य के पहिए बने हैं वो घड़ी को वो समय को सो करता है ठीक है ओके ठीक है आगे बढ़ते हैं ओके चलिए आगे बढ़ते हैं ग्रुप ऑफ एट महाबलीपुरम जो महाबलीपुरम में मंदिरों का समूह है वो आपका तमिलनाडु राज्य में है और दोस्तों इसे भी चौरासी में शामिल किया गया था ठीक है यह समूह रथों मंडप विशाल खुली हवा में राहत आदि के लिए जाना जाता है मतलब भाई खुली सासों में मतलब खुली हवा में रथ है मंडप है विशाल खुली हवा में है उसके लिए जाना जाता है आपका ये ठीक है देखो इतना विशाल मंदिर है मैं बिल्कुल साइड में जाता हूँ आप लोगों को दिख गया होगा यहाँ पे भी साइड में भी पूरा जो है ये विशाल मंदिर है ये आपका जो है इसको बोला जाता है ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क में कुछ ऐसे भी प्राणी रहते हैं ऐसे ठीक है देखो कितना क्यूट सा लगाना है ऐसे ऐसे रहते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में ठीक है क्या है ये ये आपका देखो ध्यान से क्या है ये यूनिकॉन इसके पास क्या एक सींग है एक श्रृंगी गेंडा है ये ये क्या है ये गेंडा है एक श्रृंगी यूनिकॉर्न राइनो ठीक है एक श्रृंगी गेंडा है ये तो दोस्तों ये आपके काजिरंगा नेशनल पार्क में रहते हैं और ये जो कि आसाम राज्य में है और इसी को 1985 में शामिल कर लिया गया था ठीक है ठीक है जो एक कुछ बिल्ली की बड़ी प्रजाति है उसका भी घर यहाँ पर है और जैसा कि स्पेशल तेंदुए रॉयल रॉयल बंगाल टाइगर वो भी यहाँ पर रहते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं ठीक है चलिए आप पीछे आइए अब केवला देव नेशनल पार्क ठीक है है नेशनल पार्क कहां पर है दोस्तों ये आपका राजस्थान में है और इसे भी 1985 में शामिल किया उद्यान उत्तर भारतीय राज्य राजस्थान में एक विशाल पक्षी अभ्यारण है जो क्या है पूर्वशाई खेल रिजर्व है ठीक है वेरी गुड आगे बढ़ते हैं ठीक है और इसे ना इसे आपका केवला देव इसे केवला देव पक्षी अभ्यारण भी बोलते हैं इसे आपका केवला देव पक्षी अभ्यारण भी बोलते हैं केवला देव पक्षी अभ्यारण भी बोलते हैं <laughs> पक्षी भी इसको बोलते हैं ठीक है मानस लाइफ सेंचुरी मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है असम राज्य में स्थित है और इसे भी दोस्तों 1985 में शामिल किया गया ठीक है यहां पर भी एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है साथ ही साथ आपका पिगमी जैसे टाइगर ठीक है उसके बाद स्वैम्प डियर तो ये सभी उसके बाद बेंगोल आपका फ्लोरिकॉन ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं ठीक है क्लियर है वेरी गुड ठीक है हाँ भरतपुर भरतपुर बर्ड सेंचुरी केवला देव जो है इसी को हाँ ये भरतपुर बर्ड सेंचुरी बोलते सॉरी मैं कह बोला बोला भरतपुर बर्ड सेंचुरी बोलते इसको चलिए आगे बढ़ते हैं आ, आपका खुजुराह ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स कहाँ पर है मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के बारे में एक फैक्ट जरूर याद रखना आपको कुछ रखो मत रखो इसे बोलते वनों का प्रदेश ठीक है इसे क्या बोलते हैं वनों का प्रदेश बोलते हैं ठीक है वनों का प्रदेश बोलते हैं इन्हें साथ ही साथ दालों का प्रदेश बोलते हैं और बहुत मात्रा में यहां पर सोयाबीन होती है तो सोया प्रदेश भी बोल देते हैं ठीक है सोया प्रदेश बोल देते हैं ठीक है ओके इसमें आपके हिंदू धर्म जैन धर्म दोनों धर्म के मंदिर स्थापित है खजुराहो के मोन्यूमेंट्स ग्रुप में ठीक है ये आपका देखने में बड़ा से प्यारा समंदिर है ऐसे आपका ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी जो कि हम्पी में है ठीक है इसको 1986 में शामिल किया गया था और जो कि पड़ता है कर्नाटक राज्य में हम्पी ने विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी के रूप में कार्य किया था आपसे पूछा जाता है कि भाई हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी कौन सी थी तो हम्पी ऐसे पूछा जा सकता है कि भाई हम्पी अंतिम समय में किस किस नगर की राजधानी रही थी तो आप बता सकते हैं आपके विजयनगर साम्राज्य की ठीक है उसके बाद आगे बढ़ते हैं और फिर आता है फतेहपुर सीकरी ये पड़ता है दोस्तों आगरा के पास ही पड़ता है उत्तर प्रदेश में इसे मुगल बादशाह अकबर बन ने बनवाया था ठीक है और दस वर्षों तक मुगलों की राजधानी रही है ठीक है और यहीं पर आपका बुलंद दरवाजा भी है ठीक है फतेहपुर सीकरी में ही आपका बुलंद दरवाजा भी है फतेहपुर सीकरी को 1986 में कहां पर आपका विश्व विरासत में शामिल कर लिया गया ठीक है आगे बढ़ते हैं ठीक है आपका चर्च एंड कॉन्वेंट्स एट गोवा ठीक है गोवा के बारे में फैक्ट याद रखो गोवा जो है ना दोस्तों क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है गोवा जो है क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है जो कि पश्चिमी तट पर स्थित है 1986 में इसको यहाँ पर शामिल किया गया और गोवा जो है पुर्तगाल की राजधानी रही है 17 मई चौदह सौ में पहला पुर्तगाली भारत कौन आया था वास्कोडिगामा सबसे बाद में कौन सी यूरोपियन कंपनी गई आपके पुर्तगाल या पोर्तुगीज़ जिसको बोल सकते हैं और गोवा की राजधानी क्या है पणजी गोवा की राजधानी क्या है पणजी फिर देखो इस ए, ए, एक एक प्रश्न से बहुत पारे सारे प्रश्न बन जाते हैं गोवा की राजधानी क्या है पणजी ठीक है जैसे गोवा दिखा सबसे एरिया में सबसे कम एरिया में सबसे कम ठीक है आज बच्चे देख रहे होंगे सर आपकी हालत ऐसे डाउन से क्यों हो रही है मेरी हालत इसलिए डाउन हो रही है आज इसलिए मुझसे बोला नहीं जा रहा ज़्यादा क्योंकि मेरा आज फास्ट है सुबह से कुछ खाया नहीं तो अजीब सा मतलब पूरा मतलब बॉडी काम नहीं कर रही मन है कि मतलब भाई और एनर्जी के साथ पढ़ाऊँ लेकिन बस ये कि पढ़ाओ अब बस ज़्यादा एनर्जी लगाओगे तो आगे नहीं गात बन पाएगी पंजी आपको पूछा जाता है कि गोवा किस नदी के किनारे तो आप बता देना मांडवी नदी के किनारे किसकी भैया मांडवी नदी ये पूछ ले जाता है ठीक है ये सारे क्वेश्चन आ जाते हैं ठीक है और बहुत सारे लोगों का भाई मन होगा गोवा जाने का आपसे पूछा जाएगा ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट आपका पट्टडकल ये कहां पर स्थित है तो आपका कर्नाटक में इसको उन्नीस में आपका जो यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल किया गया आगे बढ़ते हैं ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है इसको उन्नीस में आपका यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया ये ऐसा पता नहीं ऊपर से जो ना हेरिटेज साइट कैसे कट गया यूनेस्को हेरिटेज साइट लिखा है पूरा लेकिन जैसे ही इसको यहाँ पर खोल रहे ये कट जा रहा है ऊपर जो है कभी इसको यू हटा को नेस्को पढ़ो खाली ठीक है नेस्को नहीं ने, यूनेस्को है वो पूरा ठीक है एक मिनट बच्चों ठीक है आगे बढ़ते हैं एलिफेंटा की गुफा कहां पर है दोस्तों एलिफेंटा की गुफा आपकी महाराष्ट्र में है ठीक है और एलिफेंटा की गुफाओं का स्थानीय नाम पूछ लिया जाता है एक बार पूछा भी गया एग्जाम में आपका घारपुरी गुफाएं इसमें इस कितनी गुफाएं हैं इसमें सात गुफाएं इसमें कितनी गुफाएं सात गुफाएं देखो ये भी जो है आप ध्यान से देखो ये पहाड़ है इन पहाड़ों को काट कर ही बनाया गया है ऐसा नहीं कि ये पीलर अलग से लगाया गया है यहाँ पर नहीं ये पिलर की डिजाइन इस तरीके से काटा बड़ा ही शार्प कटिंग किया गया है बड़ा ही खतरनाक कटिंग किया गया है ठीक है आगे बढ़ेंगे आपका सुंदरबन का नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ता है पश्चिम बंगाल में पड़ता है ठीक है सुंदरबन डेल्टा किस कैसे कैसे बनता है गंगा ये गंगा ये ब्रह्मपुत्रा इनके मिक्सचर से बनता है आपका सुंदरबन का डेल्टा ठीक है यहाँ पर ठीक है ये कहाँ पे पड़ता है पश्चिम बंगाल में नाइनटीन में इसको भाई वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लोवर नेशनल पार्क देखो नंदा देवी और फूलों की घाटी फूलों की घाटी चमोली और देवी। नंदा देवी क्वेश्चन भी आता है नंदा देवी पहाड़ी कहाँ पर स्थित है उत्तराखंड में नंदा देवी और फूलों की घाटी इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया उन्नीस में कब किया गया उन्नीस में किया गया ठीक है हाँ सुंदरवन सुंदरवन लार्जेस्ट रामसर साइट भी है साथ ही साथ विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है सुंदरवन का डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है ठीक है जो कि गंगा ब्रह्मपुत्रा के मिलने से बनता है ठीक है ठीक है आगे बढ़ते हैं ओके बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट एट सांची सांची के स्तूप की बात करें तो सांची का स्तूप जो है कि मध्य प्रदेश में है और यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि सर ये मोन्यूमेंट्स स्तूप का मतलब क्या होता है इस्तूपा का मतलब क्या होता है जैसे स्तूप आप बोलते हैं तो इस्तूपा का मतलब दरअसल होता कुछ नहीं ज़्यादा आप इतना समझ सकते हैं जो शरीर के अवशेष है उन अवशेष को रख कर उन्हें मिट्टी से उन्हें उन्हें कवर करके उसके ऊपर जो मोन्यूमेंट्स बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं स्तूपा कहते हैं वेरी गुड आगे बढ़ते हैं ठीक है ओके और इससे इस मतलब ये सबसे पुरा, पुराना आपका बौद्ध अभ्यारण भी माना जाता है और आपका किसके द्वारा बनाया गया था मद ये आपका सांची का स्तूप ये आपके लिए कमेंट सेक्शन में होमवर्क है अगली अगले टॉपिक पे चलते हैं मतलब अगले पॉइंट पे चलते हैं ये साची का स्तूप है अच्छा ये और बताइएगा इसको क्या कहते हैं ये जो ऊपर लगा है इसको क्या कहते हैं एक बार मैंने बताया है आप लोगों को ठीक है बहुत सारे बच्चे क्लास देख रहे हैं शायद उनके याद हो और इसमें जो जो ऐसी परिक्रमा की जाती है वो किस दिशा में की जाती है आप सभी को पता है या नहीं पता है यस या नो अशोक वेरी गुड बहुत सुंदर इसे क्या कहते हैं और इनको क्या कहते हैं हमने देखे ताज मीनार सबसे के तोरण द्वार खाटू नगरी हो बाबा हम आए तेरे द्वार हिंट दिया मैंने कुछ कुतुब मीनार एंड इट्स मोन्यूमेंट कुतुब मीनार देखने में कैसी है देखिए आपने कुतुब मीनार देखना ऐसी है कुतुब मीनार दिखी कुतुब मीनार इस पे सबसे ऊपर वाली दो मंजिल दिखेगी आपकी जिनका निर्माण एफ एस टी साहब के द्वारा करवाया गया था हालांकि कुतुब मीनार की जो नींव रखी गई थी वो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई थी इसका कंप्लीट निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था इसको 1993 में शामिल किया गया था दिल्ली में है ठीक है कभी आओ तो घूम के आना दिन में मत जाना या तो सुबह सुबह जाना बहुत तेज़ धूप होती है फिर सर्दियों में जाना ठीक है सर्दियों में यह कि खुले में धूप में बैठ जाओगे तो मज़ा सा आ जाएगा शरीर खुल जाएगा ठीक है आगे बढ़ोगे हुमायूं टॉम्ब हुमायूं टोम्ब को इसको कहा जाता है हुमायूं टॉम्ब दिल्ली में है और देखने में मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसा लगेगा लाइक ये आपको देखने में ऐसा लगेगा जैसे कि आप ताजमहल पे हो इसे दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है सेम दिखने में आपको ताजमहल के जैसा ही दिखेगा तो हुमायूं टॉम्ब जो है ठीक है ओके okay, ये आपका 1570 में बनाया गया था और इसे 1993 में क्या किया गया विश्व विरासत में शामिल किया गया ये भारतीय उपमहाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा है यानी पहला आपका क्या है उद्यान मकबरा यानी आपका क्या कह सकते आपका गार्डन टोम इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट गार्डन टोम मतलब जहां पर आपका मकबरा है वहां पर बागीचा बनाया गया है ठीक है ये पूरे उपमहाद्वीप का भारतीय उपमहाद्वीप का पहला था ऐसा ठीक है ओके अच्छा हमायूँ नामा किसने लिखी है तो हमायूँ नामा हमायूं नामा पता आपकी किसने लिखी है और हुमायूं टोम किसने बनवाया हमायूँ नामा लिखी इनकी हमायूँ नामा हाँ ताजमहल का टाइटल दिया जाता बेटा से बिल्कुल आगे बढ़ते हैं आपका माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया देखो ऐसे चलती है माउंटेन पे रेल चल रही है ना कितनी खतरनाक आई गई देखो आई और गई माउंटेन रेलवे को माउंटेन रेलवे को जो आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो दर्जा मिला है ये मिला है दोस्तों आपका कब ये मिला है दोस्तों उन्नीस में, में किस किस की तमिलनाडु वेस्ट बंगाल और हिमाचल प्रदेश और आपका तमिलनाडु में स्पेशली नीलगिरी ठीक है और उसके बाद कालखा शिमला रेलवे यहाँ पर आपने देखा होगा ना टॉय ट्रेन बोलती है टॉय ट्रेन ठीक है ठीक है, ठीक है? छोटी छोटी ट्रेन है तो इन्हें भाई विश्व विरासत स्थल में आपका शामिल किया गया था उन्नीस में ठीक है उसके बाद हम बात कर लेते आपकी महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो कि बोध में है ठीक है बिहार स्टेट में 2002 में इसको शामिल किया गया था यह बुद्ध के जीवन से जुड़े चार पवित्र स्थलों में से एक है बोध गया वो स्थान है जहां पर गौतम बुद्ध जी के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गया ठीक है जन्म कहां पे लिया था लुमनी में मृत्यु कहां हुई थी और सबसे ज्यादा उपदेश दिए श्रावस्ती में क्या खाने से सुकर माधव खाने से जब तासीर बिगड़ी उसके बाद उनकी क्या थी मृत्यु हुई थी ठीक है आगे बढ़ेंगे ठीक है चलेगा मृत्यु को क्या कहा गया था महापरिनिर्वाण ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा गया था निर्वाण एक बार शशन को शेयर जरूर करिएगा ठीक है सेशन को शेयर जरूर करिएगा सेशन को लाइक करिएगा ठीक है ओके अभी हमारा परिवार पांच हजार का होने वाला है पाँच हजार देखो मैंने कितने ऐसे बोला पांच हजार और दूसरा पांच लाख का परिवार है हमारा ठीक है तो पांच लाख तक भी जाएगा ये पांच मिलियन तक भी जाएगा लेकिन कब ऐसा नहीं कि हम यही चाहते कल हो जाए नहीं हमें धैर्य तो रखना पड़ेगा धैर्य रखना पड़ेगा क्योंकि भाई मनुष्य के कामयाबी का पहला स्रोत क्या है मेहनत है और दूसरा क्या धैर्य दूसरा क्या धैर्य तो धैर्य बना के रखना पड़ेगा उसके बाद मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपको भी फल मिलेगा और मेहनत करेंगे डेफिनेटली हमें भी फल मिलेगा लेकिन हमारी मेहनत ऐसी है कि हम करेंगे साथ साथ आपको भी करनी पड़ेगी हमारी मेहनत में आपका कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा तो आपको शशन को शेयर दबा के करना है ठीक है आगे बढ़ेंगे आपका रोक शेल्टर और जो कि भीम बेटका की आपकी भु... इसको बोलते हैं भीम बेटका की गुफाएं जो कि भीम बेटका की चट्टान गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश में पड़ती है ठीक है और ये आपका प्री हिस्ट्री का एविडेंस है तिहासिक काल के सबूत है उसको 2003 में विश्व विरासत में शामिल किया गया ठीक है ओके यहाँ पर आपको जो है वॉल पेंटिंग भी मिल जाएगी भित्ति चित्र भी मिल जाएगा ठीक है वेरी गुड बहुत सुंदर ठीक है आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र में 2004 में इसको विश्व विरासत में शामिल कर लिया गया ठीक है ये देखिएगा आपका जो है जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है ठीक है बड़ा ही देखने में बड़ा सुंदर है उसके बाद आ जाते हैं आपका चंपानेर पावागढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क ये गुजरात में दोस्तों और गुजरात के बारे में एक फैक्टोरी याद रखना आपका गुजरात को अगर ज्योग्राफी से जोड़ के बताऊं मैं तो गुजरात आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में सबसे वेस्टर्न स्टेट है सबसे पश्चिमी राज्य है जो कि 2004 में इसको शामिल भी किया गया था ठीक है आगे बढ़ेंगे ओके रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स दिल्ली में है कहाँ पर है दिल्ली में है इसको दो में शामिल किया गया था ठीक है इसे शाहजहाँ की राजधानी शाहजहाबाद के महल के किले के रूप में बनवाया गया था सलीमगढ़ का सलीमगढ़ किला इस परिसर का एक हिस्सा है और आज भी पता है कि आपको आज भी ये बाजार लगता है लेकिन छोटे लेवल पे लगता है ठीक है आज भी ये बाज़ार लगता है लेकिन छोटे लेवल पे लगता है ठीक है ये देखने में आपका अभी ताजमहल आ चुका है ऊपर आइए भाई ये आ गया ताजमहल सॉरी लाल किला ठीक है ये क्या है क्या कह रहे हो सर भूख में पागल हो रहे हो नहीं नहीं इतनी भी भूख नहीं लगी ये लाल किला आ रहा है ठीक है लाल किला रुक जाओ भाई ठीक है ये रुकेगा नहीं हम आगे बढ़ जाएंगे ठीक है जंतर मंतर राजस्थान वाला इसको 2010 में क्या कर दिया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया गया और इसके फैक्ट याद रखना राजा राजपूत सवाई जयसिंह द्वितीय ने खगोलीय अवलोकन के लिए इसका निर्माण करवाया था खगोलीय अवलोकन के लिए इसका निर्माण करवाया था वेस्टर्न घाट की बात कर लेते हैं पश्चिमी घाट की बात कर लेते हैं पश्चिमी तट अगर तट पूछे तो आप क्या बताएंगे गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटका केरला ये सभी आपके पश्चिमी तट पर स्थित है ठीक है वेस्टर्न घाट में क्या क्या था कर्नाटक केरला तमिलनाडु महाराष्ट्र देखो तट अलग है घाट अलग है ये घाट में क्या आएगा कर्नाटक केरल तमिलनाडु महाराष्ट्र इसको क्या किया गया 2012 में विश्व विरासत में शामिल कर लिया गया और दोस्तों याद रखना जहाँ पर पश्चिमी घाट पूर्वी घाट मिलता है वहाँ पर क्या बनता है नीलगिरी और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी आपको रटवा रखी है मैंने पूरी दोधा बेटा है क्या है भैया दोधा बेटा छब्बीस मीटर ठीक है आगे बढ़ेंगे हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान ठीक है ये कहाँ पर है दोस्तों ये राजस्थान में है 2013 में इसका निर्माण हुआ ठीक है चित्तौड़गढ़ किला कुल्लभगढ़ किला स्वाई माधोपुर किला झालावाड़ का किला जयपुर किला जैसलमेर किला इन पहाड़ी किलों का हिस्सा है ये ठीक है आपका हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान ठीक है ये सारे ठीक है आगे बढ़ेंगे ठीक है ये रहा, हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान ओके okay, आगे बढ़े रानी की वाव ठीक है रानी की वाव किस नोट पर किस नोट पर ये इसका डायग्राम दिखाया गया ये जरूर बताना गुजरात राज्य में है इसको 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है कहां पर सरस्वती नदी के तट पर स्थित है ठीक है रानी की वाव देखो किस नोट पर स्थित है किस नोट पर दर्शाया गया है उसके बाद कर लेते ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है जो कि 2014 में शामिल किया गया यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ठीक है ये देखिएगा ओके आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविद्यालय ठीक है ये 2016 में ठीक है ये दो ठीक है आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा आपका ठीक है ये आपका 2016 में शामिल किया गया जो कि बिहार राज्य में स्थित है ठीक कंचन कंचन है कंचनजंगा नेशनल पार्क कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम राज्य में स्थित है ठीक है जो कि 2016 में इसमें शामिल किया गया था ठीक है आगे बढ़ेंगे आर्किटेक्चर वर्क ऑफ ली क्रो क्या बोलते इसको क्रोबोशियर जो कि आपको चंडीगढ़ राज्य में स्थित है और चंडीगढ़ राज्य जो आज पैटर्न बना हुआ है दोस्तों चंडीगढ़ राज्य आपको मैं बता देता हूं ग्रिड पैटर्न पर स्थित है ठीक है चंडीगढ़ पैटर्न आपका चंडीगढ़ पैटर्न ग्रीक पैटर्न पर बना हुआ है ठीक है ठीक है किस पे ग्रिड पैटर्न पे पे ग्रिड नहीं ग्रिड ग्रिड पैटर्न पे ग्रिड पैटर्न जिस पे आपका वैली सिविलाइजेशन भी था ठीक है आगे बढ़ेंगे ठीक है और हिस्टोर आपका हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद 2017 में इसमें शामिल किया गया ठीक है उसके बाद आपका विक्टोरियन एंड आर्ट डेको जो है महाराष्ट्र में 2018 में शामिल किया गया जयपुर सिटी 2020 में शामिल की गई जयपुर सिटी को क्या बोलते हैं जयपुर को भैया पिंक सिटी भी बोल देते हैं ठीक है थीके? पिंक सिटी ठीक है ओके देखिए ठीक है रामाप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना राज्य में है इसको 2021 में शामिल किया गया बेटा पीडीएफ एक ही जगह मिलेगी कल वाली की भी रैंकर्स गुरुकुल स्टेट एग्जाम पर मैं स्टेटे की की जो पीडीएफ थी आपका कांग्रेस अधिवेशन वो भी ये भी अभी पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा इसकी ठीक है धोलावीरा 2021 में शामिल किया गया था जो कि गुजरात राज्य में जब ये शामिल किया गया उसी समय यूपीएससी के सिविल सर्विस में क्वेश्चन पूछ लिया गया उसी समय एस एस क्वेश्चन पूछ लिया गया तो क्वेश्चन आते हैं ठीक है ठीके? उस ये क्वेश्चन आते हैं यहाँ से ठीक है तो आपको जो है इसकी पीडीएफ डी कहाँ पर मिलेगी मात्र मात्र एक जगह जिसका नाम है आपका रैंकर्स गुरुकुल स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल का जो ऑफिशियली टेलीग्राम लिंक है उसका नाम है रैंकर्स गुरुकुल स्टेट टेलीग्राम चैनल रैंकर्स गुरुकुल स्टेट एग्जाम के नाम से है वो तो उसको जरूर ज्वाइन करिएगा वहाँ पर पीडीएफ मिलेगी सभी को राम राम जय श्री श्याम एक फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नई ऊर्जा के साथ जब तक के लिए जय हिंद जय भारत ठीक है बड़ा एक छोटा सा टॉपिक था और बड़ा ही शानदार सा टॉपिक था इससे क्वेश्चन आते हैं ये तीस मिनट आपने नोट्स बनाए होंगे हो सकता है कि आपके पच्चीस से तीस लाइन लिखी गई हो पच्चीस से तीस लाइन हालांकि ज़्यादा लिखनी चाहिए लिखी जानी चाहिए थी मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अलग भी दी 25 से 30 लाइन आपने लिखी होगी ये 25 से 30 लाइन का आप पंद्रह मिनट में रिवीजन कर लोगे सुबह भी एक बार रिवीजन कर लेना और डेफिनेटली उसके बाद एग्जाम में जब बैठोगे वो जो आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो उस रात वो पूरे रिविज़न करते चलोगे उन्हें रिविजन करते रहो देखो पढ़ने का केवल एक ही तरीका होता है मैं आपको बता देता हूँ पढ़ने का तरीका क्या है मान लो मैं आपको बताता हूँ या आपने क्लास ली कुछ रेस्ट करो या दूसरी क्लास देखो पढ़ो उसके बाद दो एक घंटा दो घंटा गैप होने के बाद इसका पंद्रह मिनट रिवीजन करो बहुत हार्ड प्रोसेस बता रहा हूँ लेकिन कुछ बच्चे इसको करेंगे और वो अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली वो आगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे ठीक है उसके बाद इसका एक बार रिवीजन हो चुका है अगले दिन जो आपने पढ़ा उसका फिर उसी दिन या उससे अगले दिन पंद्रह मिनट रिविज़न करो हो सके तो फिर हफ्ते में एक बार टाइम मिले तो रिविज़न कर लो ना मिले लेकिन 20 दिन में एक बार इसका रिवीजन कर लो जो आपने डेली रिवीजन किया केवल उसका फटाफट रिवीजन कर लो और एग्जाम में जाने से पहले वो जो नोटबुक बनी हुई है आपकी जीएस की जो नोट्स बना रहे हो डेली उसको दो बार पढ़ लेना तीन बार पढ़ लेना ऐसे जब पढ़ रहा हो ना डेली पंद्रह पंद्रह मिनट तो हिसाब लगाना हर बीस दिन पे पंद्रह दिन पे जब मल्टीपल रिवीजन करोगे दोस्तों तो एग्जाम तक जाने से पहले आपके एग्जाम से मतलब एग्जाम में बैठने से पहले पंद्रह बीस बार तक आप रिवीजन कर चुके होंगे और सिलेक्शन का एक ही फॉर्मू फॉर्मूला है कोर्स कंप्लीट उसके बाद पंद्रह से बीस बार रिवीजन और ये पंद्रह से बीस बार बीस बार अगर आपने रिवीजन कर लिया तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचने वाला है कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचने वाला ठीक है ओके बाय टेक केयर जय हिंद जय भारत सभी को जो है जाते जाते एक बार फिर से जय श्री श्याम पढ़ते रहिए मस्त रहिए हंसते रहिए सुबह साढ़े आठ बजे वाली क्लास में जरूर आइएगा और यदि किसी को जीएस स्पेशल लेना है तो आरजी जी विक्रमजीत एप्लीकेशन से आप ज्वाइन कर सकते हो मात्र आठ सौ निन्यानवे में बड़ा ही खतरनाक बैच चल रहा है बहुत ही शानदार रेस्पॉन्स आ रहा है ओके बाय टेक केयर एक एक बच्चा कॉमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर देगा सेशन कैसा लगा कैसा नहीं और आगे कौन सा सेशन चाहते हो ये भी आप बताना कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो स्टेटिक जी में ओके बाय टेक केयर